गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए आज हम कक्षा आठवीं के गणित विषय के अध्याय 11 चतुर्भुज की रचना इसके प्रथम भाग में चलते हैं। बच्चों, हमें इस अध्याय में चतुर्भुज की रचना करना सीखना है। पिछली कक्षा सातवीं में आप चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं। बच्चों, आइए एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। चतुर्भुज क्या होता है? तो बच्चों, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ चित्र में P, Q, R, S एक चतुर्भुज बना हुआ है। बच्चों, आइए हम अब चतुर्भुज के कुछ प्रकारों पर बात करते हैं। तो चतुर्भुज कुल 5 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। पहला है आयत। तो बच्चों, आप सब आयत से भलीभांति परिचित हैं। यहाँ चित्र में देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का अर्थ होता है बच्चों आमने सामने, बराबर होती हैं। और चतुर्भुज का अर्थात इस आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आइए हम चतुर्भुज के अगले प्रकार पर बात करते हैं। दूसरा है वर्ग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, बराबर होती हैं एवं इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो बच्चों, इस चित्र MNOP में आप देखेंगे कि यहाँ पर चारों भुजाएं MN, NO, OP और PM समान हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण है। अब हम अगले प्रकार पर चलते हैं बच्चों। ये है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी में पैरेललोग्राम कहा जाता है। बच्चों, यहाँ आप चित्र में देख पाएंगे EFGH, यह चित्र समांतर चतुर्भुज का है। बच्चों, इस चतुर्भुज में ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं अर्थात आमने सामने की, तो बच्चों इस चित्र में आप देखेंगे कि यह EFGH एक समांतर चतुर्भुज को दर्शा रहा है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं अर्थात EF और GH तथा FE और HE, आप देखेंगे कि ये समांतर भुजाएं हैं, साथ साथ ये बराबर भी हैं। तो बच्चों, अगला प्रकार है समचतुर्भुज। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं बच्चों, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज को अंग्रेजी में रोम्बस कहा जाता है। आइए चतुर्भुज के अंतिम प्रकार समलंब चतुर्भुज पर हम बात करते हैं। तो बच्चों, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ इस चित्र में आप देखिए PQRS एक समलंब चतुर्भुज है और इस समलंब चतुर्भुज में PQ और RS ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। तो दो भुजाएं अर्थात एक जोड़ा, और इसीलिए इसे समलंब चतुर्भुज हम कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम चतुर्भुज के कुछ अवयवों पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, आइए फिर भी हम इसके बारे में बात करें। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष होते हैं तथा दो विकर्ण होते हैं। आइए अब देखते हैं हम चतुर्भुज की कुछ विशेष बातों को। जैसा चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। बच्चों, जब आप चतुर्भुज की रचना करेंगे तब आपको
इन विशेषताओं का प्रयोग करना होगा। और यदि आप इसे नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि कुछ प्रश्न आप रचना में नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इन विशेष बिंदुओं को आप अवश्य ध्यान दीजिए। आइए हम अब चतुर्भुज की रचना करने से पहले कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात करते हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। तो बच्चों, चतुर्भुज की रचना तभी संभव है जब इनकी तीन भुजाओं का योग, अर्थात हमें कोई भी तीन भुजाएं लेनी हैं, चौथी अर्थात सबसे बड़ी जो भुजा है उससे अधिक होता हो, तभी चतुर्भुज बन पाएगा अथवा चतुर्भुज की रचना संभव नहीं होगी। दूसरा बिंदु है बच्चों, चतुर्भुज की रचना तभी संभव है जबकि उस चतुर्भुज के चार कोणों, चार भुजाओं तथा दो विकर्ण अर्थात इन कुल 10 अवयवों में से यदि हमें कोई भी 5 अवयव ज्ञात हों या दिए गए हों, 5 से कम यदि हमें अवयव दिए गए हैं तो उस चतुर्भुज की रचना संभव नहीं हो पाएगी। बच्चों, जब हम रचना प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ विशेष बात का ध्यान देना है। आपको तो प्रश्न दिया होगा रचना करने के लिए, सर्वप्रथम आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप दिए गए प्रश्न में कौन से रेखाखंड भुजा को प्रदर्शित कर रहे हैं और कौन से रेखाखंड विकर्ण को बता रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ABCD चतुर्भुज में आप जब देखेंगे बच्चों, लगातार शीर्ष या जिसे हम संलग्न शीर्ष कहते हैं, तो ऐसे संलग्न शीर्ष, तो यदि हमारा यहाँ पर चतुर्भुज ABCD है तो संलग्न शीर्ष AB, BC, CD या DA। तो बच्चों, चक्रीय क्रम में हम जहाँ से शुरू करते हैं वहीं वापस आ गए, तो ये सभी रेखाखंड भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, एवं दो एकांतर या हम कहें दो सम्मुख शीर्षों से बना जो रेखाखंड है वह चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। हम बात कर चुके हैं बच्चों, किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, तो यहाँ पर हमारे इस चित्र में AC और BD दो विकर्णों को प्रदर्शित करते हैं। आइए बच्चों, अब हम चतुर्भुज की रचना के अंतर्गत प्रथम रचना की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी सर्वप्रथम रचना ऐसी है बच्चों, जिसमें ऐसे चतुर्भुज की रचना करनी है जबकि उसकी चार भुजाएं एवं एक विकर्ण दिया गया है। तो बच्चों, चार भुजा और एक विकर्ण मिलकर कुल 5 अवयव आपको यहाँ इस प्रश्न में दिए गए हैं। आप प्रश्न देखिए बच्चों, चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर QS, अर्थात इस चतुर्भुज में दोनों भुजाएं QR और QS 5 सेंटीमीटर की हैं, PS बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ, और आप देखिए SR यह 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपसे यह भी कहा गया है कि RP को नापिए। तो जब हमारा चतुर्भुज बनकर तैयार हो जाएगा तब हम उस चतुर्भुज की भुजा RP को नापेंगे। देखिए बच्चों, जब भी हम रचना से संबंधित प्रश्न करते हैं तो हमें सर्वप्रथम हल करते वक्त शुरुआत में जो भी हमें प्रश्न में दिया गया है उन मापों को क्रमशः हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पुनः हमारा कार्य है यह जानना कि PQ क्या है, QR क्या है, QS क्या है। तो बच्चों, थोड़ी ही देर पहले हम बात कर चुके हैं, लगातार यह संलग्न शीर्ष एक भुजा का निर्माण करते हैं और एकांतर या सम्मुख शीर्ष विकर्ण को बनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ देखिए
आप इस प्रश्न में जान पाएंगे पी क्यू 3 सेंटीमीटर दिया है जो कि एक भुजा है, क्यू आर वह भी एक भुजा है, क्यू एस तो देखिए बच्चों क्यू के बाद आर आना चाहिए, उसके बाद एस आता है, परंतु इस क्यू एस में आर नहीं है, क्यू एस है, अतः यह विकर्ण को दर्शाता है। पी एस यह भी एक भुजा है और एस आर यह भी एक भुजा को दर्शा रहा है। आइए बच्चों अब हम रचना के पद या चरण की ओर क्रमशः बढ़ते हैं। बच्चों हमारे इस रचना के प्रथम पद में हम सर्वप्रथम पी क्यू रेखाखंड खींचते हैं। तो बच्चों देखिए सर्वप्रथम आपको स्केल से इसका प्रयोग करते हुए आपने यहाँ पर रेखनी, पटरी या स्केल रखी, तीनों ही नाम स्केल के लिए प्रयोग होते हैं बच्चों। तो देखिए हमें 3 सेंटीमीटर पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर खींचना है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ 3 सेंटीमीटर पर दूसरा, इन्हें हम मिलाते हुए रेखाखंड पी क्यू की रचना करते हैं। जैसे ही हमने रचना की हम यहाँ पर इसका नामांकन कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि चित्र बाद में बनने के बाद यह नामांकन छूट जाता है, इसलिए साथ साथ इसे आप नामांकित भी करते जाइए। आइए हम दूसरा चरण देखते हैं बच्चों। बिंदु Q को अब हमें केंद्र लेना है तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटना है। तो बच्चों देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, जिसके लिए हम प्रकार का प्रयोग करते हैं बच्चों। देखिए आप यहाँ देख पाएंगे बच्चों स्केल और प्रकार का प्रयोग करते हुए हमें 5 सेंटीमीटर के लिए से सेट करना है बच्चों 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। इस 5 सेंटीमीटर हमारे इस चरण में Q को केंद्र लेना है और 5 सेंटीमीटर को त्रिज्या। हमने एक चाप काटा बच्चों। तत्पश्चात बिंदु P को केंद्र लेना है और 4 सेंटीमीटर का दूसरा चाप काटना है। तो P को केंद्र लेते हुए हमें एक चाप काटना है जो कि इस प्रथम चाप को काट रहा है, और इस प्रथम चाप और दूसरे चाप के कटन बिंदु को हम S नाम देते हैं। अब हमारा अगला कार्य है बच्चों कि चापों के इस कटन बिंदु को S नाम दीजिए। हमने यहाँ S नाम दिया। अब हमें 5वें चरण में बिंदु P तथा S को मिलाना है। तो देखिए बच्चों ये P और S को हम इस प्रकार से मिलाते हैं। तत्पश्चात आपको बिंदु Q और S को भी मिलाना है। तो बच्चों ये Q और S को हमने यहाँ मिला लिया। अब हमारे इस चित्र में अगली रचना का पद है कि आपको बिंदु S को केंद्र मानना है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटना है। तो हम पुनः 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए प्रकार पर सेट करते हैं त्रिज्या को। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आप पाएंगे कि आप 4 सेंटीमीटर के लिए इसको सेट करेंगे। अब हमें S को केंद्र लेना है। S को केंद्र लेकर हमने एक चाप काटा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। पुनः बिंदु Q को केंद्र और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा चाप काटिए। तो ये 5 सेंटीमीटर
त्रिज्या के लिए हमने प्रकार को, ये देखिए बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम हमने ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की। उसके पश्चात बिंदु Q को केंद्र लेना है और इस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा चाप हमें काटना है। आप देख पाएंगे बच्चों, पुनः ये दोनों चाप कट रहे हैं। चापों के इन कटान बिंदु को हम R नाम देंगे बच्चों। देखिए, ये हमने R नाम दिया। अब हमारा कार्य है कि हमें बिंदु S तथा R को मिलाना है। तत्पश्चात आपको बिंदु Q और R को भी मिलाना है। बच्चों, आप देख रहे हैं कि यह हमारा चतुर्भुज बनकर तैयार हुआ, परंतु यहाँ हमें माप लिखना शेष है। तो आपने QR 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा था, अतः यहाँ हम लिखेंगे इसे 5 सेंटीमीटर। SR यह 4 सेंटीमीटर का है। PS की माप आपको दी गई 4 सेंटीमीटर। एवं QS आपको दिया गया था 5 सेंटीमीटर। तो यह QS जो है, यह विकर्ण है बच्चों। आप देखिए, हमारे इस चित्र में PQ भुजा है, QR भुजा है, RS भुजा है, SP भी भुजा है, केवल QS एक विकर्ण जो कि हमें दिया हुआ था। तो बच्चों, यह हमारे दिए गए प्रश्न से प्राप्त हमें आकृति है और यही हमारा अभीष्ट चतुर्भुज है। अब आपने रचना के पदों के आधार पर और जो कृति की गई उसके आधार पर इस चतुर्भुज का निर्माण करना ध्यान से सीख लिया होगा। आइए बच्चों, अब हम दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं और वह दूसरी स्थिति है, हमें ऐसे चतुर्भुज की रचना करनी है जब 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए गए हों। बच्चों, ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ पर 3 भुजा और 2 विकर्ण मिलकर कुल 5 अवयव पुनः हमें दिए गए हैं और इसी का उपयोग करके हमें इस दिए गए चतुर्भुज की रचना पुनः करनी है। तो आइए बच्चों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया है, आयत PQRS की रचना कीजिए, जहाँ PQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण PR बराबर 6.5 सेंटीमीटर हो। तो बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं, हमने तो बात की थी कि 3 भुजा और 2 विकर्ण दिए गए हैं। यहाँ तो हमारे पास केवल आयत की रचना करनी है, तो हम इस आयत की किस प्रकार से रचना कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें आयत की कुछ विशेषताओं को लिखना होगा। पहली है कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख अर्थात आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चों, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं किसी भी चतुर्भुज, तो आयत भी हमारा एक चतुर्भुज है जिसमें हमेशा 2 विकर्ण होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों, हमें आयत की इन विशेषताओं का प्रयोग करके अपने इस आयत की रचना करनी है। बच्चों, हमने चतुर्भुज की रचना करना
प्रारंभ किया है ऐसे चतुर्भुज की जिसकी तीन भुजा और दो विकर्ण। तो बच्चों यहाँ दो विकर्ण तो दिए हैं, पी क्यू भुजा दी गई है। तो ये पी क्यू और इसके सम्मुख भुजा आर एस ये दोनों बराबर होंगी, अतः हमें दो भुजा और दो विकर्ण मिल गए। परंतु आप पाएंगे कि पांचवा अवयव, तो बच्चों हमें यहाँ पर इस कोण का उपयोग करना होगा आयत की विशेषता की सहायता से। आपकी इस प्रश्नावली 11.2 में ऐसे अन्य प्रश्न हैं जिसमें तीन भुजाएं और दो विकर्ण स्पष्ट दिए गए हैं, परंतु यह जो प्रश्न है यह विशेष प्रश्न है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया है कि जो बच्चों को थोड़ा सा कठिन महसूस होता है इसे कैसे करें जब यहाँ तीन भुजा और दो विकर्ण नहीं है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न का चयन यहाँ पर किया हुआ है। तो बच्चों आइए देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इसके हल में हम सर्वप्रथम लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है तो क्या दिया है बच्चों, देखिए पी क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पुनः पी और क्यू दो संलग्न या लगातार शीर्ष हैं, अतः ये भुजा का निर्माण कर रहे हैं, और पी आर एकांतर या सम्मुख शीर्ष हैं, अतः ये विकर्ण का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। तो बच्चों आइए हम क्रमशः रचना के बिंदुओं का एक एक चरण देखते हुए इस चतुर्भुज अर्थात आयत का हम निर्माण करते हैं। यहाँ हमें सर्वप्रथम पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। देखिए बच्चों हम यहाँ 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी क्यू खींचते हैं एवं इसकी नाप 4.5 सेंटीमीटर को यहाँ लिख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, अतः हम प्रकार और स्केल की सहायता से ही यहाँ समकोण की रचना करेंगे। बच्चों देखिए ध्यान से, हमने एक छोटी त्रिज्या ली है यहाँ, अब इस बिंदु Q पर हम समकोण की रचना करते हैं। तो बच्चों देखिए जो केवल प्रकार और स्केल की सहायता से हम कैसे समकोण की रचना करते हैं। हमने एक अर्धवृत्ताकार चाप काटा, इस त्रिज्या को हम नहीं बदलेंगे, यह चाप रेखाखंड PQ को जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु को केंद्र लेकर हम एक छोटा चाप काटते हैं। पुनः बच्चों इस कटे हुए चाप को केंद्र मानकर समान त्रिज्या का हम दूसरा चाप काटते हैं। अब हमारे पास यह जो प्राप्त आकृति है इन दोनों चापों की, तो थोड़ी सी हम त्रिज्या को अब बढ़ा लेंगे और इन दोनों कटे हुए चापों को केंद्र मानकर हम पुनः एक चाप काटते हैं। चापों का यह जो कटान बिंदु है इस कटान बिंदु को Q से मिलान करते हुए बच्चों हम लंब अर्थात समकोण 90 अंश का की रचना पूर्ण करते हैं। तो यह बिना चांदे के प्रयोग के हमने यह समकोण बनाया है। देखिए बच्चों आप जब रचना करेंगे तो आप चांदे को यहाँ रखकर चेक करिएगा कि ये 90 अंश है या नहीं। तत्पश्चात आपको एक विकर्ण पी आर कब की रचना करनी है और पी आर की माप आपको दी गई है 6.5 सेंटीमीटर। तो आप 6.5 सेंटीमीटर के लिए प्रकार पर त्रिज्या को सेट करते हैं। ये देखिए बच्चों हमने यहाँ यह 6.5 सेंटीमीटर प्रकार पर त्रिज्या
तैयार की है। अब बिंदु P को केंद्र लिया एवं यह 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप हमने काटा। इस चाप और यह जो समकोण हमने बनाया था उस समकोण की यह जो किरण है इस किरण के कटन बिंदु को हम R नाम देंगे। तो बच्चों तत्पश्चात हम बिंदु P और बिंदु R को मिलान कर लेते हैं। यह विकर्ण है। चूंकि हम जानते हैं बच्चों आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अतः हम सम्मुख भुजाओं का इस गुण का प्रयोग करते हुए इस रचना को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों अब हमें यह भी कहते हैं कि आयत का गुण है कि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, अतः दूसरे विकर्ण की माप भी 6.5 सेंटीमीटर है। अतः हम इस 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का बिंदु Q को केंद्र लेकर एक चाप काटते हैं। तत्पश्चात सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं इस गुण का प्रयोग करना है, अतः भुजा RS की माप 4.5 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए बच्चों यहाँ 4.5 सेंटीमीटर की इस माप को देखिए, हमने 4.5 सेंटीमीटर के लिए इस त्रिज्या को लिया। अब बिंदु R को केंद्र लेंगे और इस 4.5 सेंटीमीटर माप का दूसरा चाप हम यहाँ पर काटते हैं। इन दोनों चापों के कटन बिंदु को S नाम दिया। बच्चों अब हम बिंदु R तथा S को मिलाते हैं। साथ ही हम बिंदु P तथा बिंदु S को मिलाते हैं। बच्चों यह हमारा आयत बनकर तैयार हुआ। यहाँ हम लिख लेंगे विकर्ण 6.5 सेंटीमीटर। अभी आपने समान भुजा 4.5 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण QS को भी हम मिला लेते हैं बिंदु Q और S को। हमने अभी जो रचना की उससे हमें यह आयत PQRS प्राप्त हुआ। बच्चों अब आशा करती हूँ कि आपको यह रचना करने का कार्य समझ में आया होगा। तो मैं इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न घर पर करने के लिए देना चाहती हूँ। तो आइए बच्चों हम गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर गृह कार्य के लिए प्रश्न दिए गए हैं जिसमें चतुर्भुज ABCD जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की मापें दी गई हैं और इनका प्रयोग करके आपको चतुर्भुज की रचना करनी है। दूसरे प्रश्न में पुनः आपको आयत MNOP की रचना करनी है बच्चों, जहां पर आपको MN, NO और MO की नाप दी गई है। अगला प्रश्न है बच्चों एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की नाप दी गई है और इसमें आप दी गई इन नापों में सर्वप्रथम भुजा और विकर्ण का चुनाव कीजिए और उसके बाद आप अपनी कॉपियों में इस रचना को प्रारंभ कीजिए। अंत में जब आप इस रचना को पूर्ण कर लें तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न में अंतिम पंक्ति है सीढ़ी भुजा को नापिए। तो जो आपको प्राप्त हुआ चतुर्भुज है उसमें अंतिम में आपको CD भुजा को नापना भी है। फिर आप देखिए चौथा प्रश्न भी आपको दिया हुआ है
कि चतुर्भुज PQRS बनाना है जिसमें विभिन्न माप आपको दी गई हैं। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप बनाइए। फिर हम पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। चतुर्भुज ABCD का भी यहाँ पर निर्माण आपको करना है, जो कि विभिन्न नाप आपको दी गई हैं, इनका प्रयोग करके आप प्रश्न बनाएंगे। तो बच्चों अब आप अगला प्रश्न सुनिए। वह है आपको चतुर्भुज के परिभाषा एवं उसके विभिन्न प्रकारों को सचित्र लिखिए, अर्थात आपको चतुर्भुज के प्रकार और उसकी परिभाषा को चित्र सहित लिखना है। तो बच्चों आप इन प्रश्नों को करिए और इसके अलावा आपकी पुस्तकों में कुछ उदाहरण जो सचित्र बनाए गए हैं, आप उन उदाहरणों के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अपनी कॉपियों में लिखकर स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। और यदि आप कहीं कठिनाई महसूस करते हैं तो आप अपने शिक्षकों से सहायता से हल करवाइए। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये जटिल रचनाएं शायद सरल महसूस होंगी। धन्यवाद बच्चों।